आज हम इस वीडियो में एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिसके द्वारा बल्ब ऑटोमेटिक रात होते ही ऑन हो जाता है और दिन होते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इस सर्किट को आप अपने बालकनी या आउटडोर लाइट में भी लगा सकते हैं। इस सर्किट के द्वारा आप यदि आउटडोर या बालकनी के लाइट को लगाते हैं तो आपको दिन होते ही ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है तथा रात होने से ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक लाइट को ऑन या ऑफ करेगा। रात जैसे ही होगा लाइट ऑन हो जाएगा, दिन जैसे ही होगा लाइट ऑफ हो जाएगा। इस सर्किट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। हमने दो ट्रांजिस्टर लिया है, NPN ट्रांजिस्टर 547, एक 100K का रेजिस्टेंस लिया है क्वार्टर वाट, एक 1K का रेजिस्टेंस लिया है क्वार्टर वाट, एक LDR लिया है। आप छोटा LDR भी आता है उसे भी लगा सकते हैं। एक हमने 6 वोल्ट का रिले लिया है, एक 9 वोल्ट का बैटरी विथ टर्मिनल लिया है, एक हमने LED बल्ब ले लिया है सर्किट को टेस्ट करने के लिए, और एक बल्ब का होल्डर ले लिया है, और कुछ तार की आवश्यकता भी होगी सर्किट को में सभी कंपोनेंट का कनेक्शन करते समय। हमने इस सर्किट को एक ग्लास बोर्ड पर बनाया है। आप इसे कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हैं, PCB बोर्ड पर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ ग्लास बोर्ड का इस्तेमाल किया है। हम इन दो ट्रांजिस्टर को ग्लूगन की सहायता से इस ग्लास बोर्ड पर लगा लेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब देखिए 1K और 100K के रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ लेंगे। हमें दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में अच्छी तरीके से सोल्डर कर लेना है। अब हमारा जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसके बेस और कलेक्टर में हम इन दोनों रेजिस्टेंस के छोरों को लगा देंगे। देखिए एक छोर हमने बेस में सोल्डर कर दिया और एक कलेक्टर में। सोल्डर हमें अच्छे तरीके से करना है। अब हम एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेंगे जो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से एक छोर उसका सोल्डर कर देंगे तार का, और जो दूसरा छोर है उसे पहले ट्रांजिस्टर के एमीटर से सोल्डर कर देंगे। सोल्डर हमें अच्छे तरीके से करना है। देखिए आपको समझ में आए इसीलिए हम यहाँ दो ट्रांजिस्टर हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसीलिए हमने 01 और 02 ट्रांजिस्टर का नाम रख दिया। देखिए पहला ट्रांजिस्टर को 01 लिख दिया और दूसरा ट्रांजिस्टर को 02, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए पहला ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर। अब हम एक
रिले को जो लिया था उस रिले को ग्लूगन की सहायता से चिपका लेंगे उसी बोर्ड पे। अब जो दूसरा वाला हमारा ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से एक छोटे से तार के टुकड़े को रिले का जो कॉयल है उसके जो रिले कॉयल का जो दो पॉइंट है उसके एक पॉइंट से हम सोल्डर कर देंगे जिस पर कर देखिए हम कर रहे हैं। अब रिले कॉयल का जो दूसरा पॉइंट है उससे हम एक वायर को सोल्डर कर लेंगे। और देखिए रेजिस्टेंस जो हमने 1K और 100K को सीरीज किया था उसके पहले छोर से हमें सोल्डर कर दिया। अब हम LDR को जोड़ देंगे। LDR को दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर। और पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर सॉरी बेस से जोड़ देंगे। देखिए जिस प्रकार हम LDR को लगाएं आपको भी उसी प्रकार लगाना है। इसका जो इनपुट सप्लाई होगा वो 9 वोल्ट DC होगा जिसे हम बैटरी से देंगे। अब हम बैटरी टर्मिनल के तारों को सोल्डर कर लेंगे। देखिए जो रिले का दो छोर है कॉयल का उसके एक छोर से हमने पॉजिटिव को सोल्डर कर दिया जिस प्रकार हम कर रहे हैं उसी प्रकार आपको भी करना है। सभी सोल्डरों को अच्छी तरीके से एक बार हमें जांच भी कर लेना है कि सोल्डर अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं। और जो नेगेटिव वाला तार है बैटरी टर्मिनल का उसे दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर से सोल्डर कर देंगे। देखिए जिस प्रकार हम कर रहे हैं उसी प्रकार करना है। अब हम बैटरी टर्मिनल का जो कनेक्टर है उसे हम ग्लू से चिपका लेंगे उसी बोर्ड पर। अब हमने जो एक होल्डर लिया है बल्ब लगा हुआ उसे सीरीज में कर हम इस बल्ब को सीरीज में जोड़ देंगे। इसको सीरीज में जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि रिले के एक छोर हम रिले के कॉमन से सोल्डर करेंगे कॉमन जो पॉइंट है।
और जो एलईडी का दूसरा तार है उसे रिले के नॉर्मल ओपन वाले छोर से कनेक्शन कर देंगे। रिले का कनेक्शन करते समय नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन का ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम 9 वोल्ट यहाँ सप्लाई देने वाले हैं सर्किट में। अब हम बल्ब जो सीरीज में एलईडी को लगाए थे उसमें हम 220 वोल्ट एसी देंगे, एसी सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट। अब हम देखिए जो दोनों तार हैं जो एलईडी बल्ब से निकला है उसे हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। अब देखिए जैसे ही हम बल्ब के ऊपर उंगली से अंधेरा करेंगे वैसे ही हमारा बल्ब जल जाएगा। देखिए हम ऐसे ही बार बार आपको कर कर दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए जैसे ही हम अंधेरा कर रहे हैं उंगली से एलडीआर के ऊपर वैसे ही हमारा बल्ब जल जा रहा है एलईडी। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।